आज हम एक वेरी पॉजिटिव ट्रेंड पाते हैं जब हम देखते हैं कि देश में पिछले 24 घंटे में 1,27,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि 28 मई से अगर हम देखें तो देश में प्रतिदिन 2 लाख से कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह अगर एनालाइज करें तो पाते हैं कि करीब 69 अप्रॉक्सीमेटली 69 अराउंड 70% केसेस में हमारे जो डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे उसमें हमने कमी पाई है। हमने ये भी देखा है कि 29 स्टेट ऐसी हैं जहां अब केसेस जो रिपोर्ट हो रहे थे कम होते होते 5,000 से कम केसेस प्रतिदिन की संख्या में रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है जो इंडिकेट करता है कि ओवरऑल देर इज अ डिक्लाइन ऑफ इन्फेक्शन इन द कंट्री। इसी तरीके से अगर हम देखें कि कितने जिले ऐसे हैं जो कि 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे 28 अप्रैल से 4 मई वाले सप्ताह में देश में 531 ऐसे जिले थे, वह 3 सप्ताह में घटते घटते 295 जिले रह गए हैं, यानी कि 236 जिले ऐसे हैं जहां पर कि ओवरऑल केसेस में एक मार्क डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। हमारे लिए जरूरी है कि हम इंश्योर करें कि जो एक्टिव केसेस हम उनको मॉनिटर करें। एक्टिव केसेस जैसा आप लोगों को पता है वह केसेस हैं जो या तो होम आइसोलेशन में या मेडिकल केयर सीक कर रहे हैं। देश में 10 मई के समय पर जहां पर करीब 37 लाख एक्टिव केसेस थे, वह घटते घटते हमने देखा कि करीब 30 लाख से कम हुए 22 मई को, और अब 1 जून में हम देखते हैं कि वह 18.95 लाख केसेस रह गए हैं, जिससे कि हमारे ओवरऑल हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन भी कम हुआ है। और हमने देखा है कि अब हमारे ये केसेस करीब 50% एक्टिव केसेस देश में कम हो गए हैं। एक्टिव केसेस जहां की देश में 17.13% थे ऑन 3 मई, वह घटते घटते अब केवल 6.73% रह गए हैं। एक्टिव केसेस में पिछले 43 दिनों से ऑन ए रेगुलर बेसिस हम एक डिक्रीज पा रहे हैं, और इस बार के दिन में देखें तो आज करीब 1.3 लाख एक्टिव केसेस में डिक्रीज एक दिन में नोट किया गया है। इसी तरीके से हम अगर एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूड बेसिस पर एक्टिव केसेस में डिक्लाइन भी नोट किया जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है। एंड जरूरी है कि उसी गति से स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फील्ड लेवल पर हमारा कार्य कंटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में चलता रहे।